नमस्कार दोस्तों, अनिरुद्ध गोयत के साथ मैं आप सभी पशुपालक और किसान भाइयों का अपने YouTube चैनल किसान डायरी फार्मिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम फिर से गांव बूढ़ा डैर में आए हैं, जो कि जींद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में ये गांव आता है। तो आज हम आपको ये पशु दिखाएं और इन पशुओं के बारे में डिटेल से बातें बताएँ। उससे पहले मैं सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि जो भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन दबाएं, ताकि जो भी हम अगली न्यू वीडियो डालें उसकी जानकारी आप तक जरूर पहुंचे। तो मैं उन सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो भाई हमारी वीडियो को अपना कीमती समय निकाल कर देखते हैं और जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपके सहयोग बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो आप हमेशा मेरा सहयोग देते रहें और मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो और भी ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेके आऊं। तो एक जो हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद है वो यही है कि हम आपको अच्छे पशु दिखाएं और हर गांव-गांव और शहरों में जाकर उन पशुपालकों को ढूंढें जिनके पास अच्छा पशुधन होने के बावजूद भी उनकी कोई पहचान नहीं हो पाती। और हमारा वीडियो बनाने का एक यही उद्देश्य है कि लोगों के अंदर नस्ल सुधार के प्रति जागरूकता फैलाएँ और उन्हें ऊँचे लेवल पर ले जाने का हम काम करें। तो इन पशुओं के बारे में ज़्यादा जानकारी हम इनसे लेंगे। तो सर एक बार अपना नाम बताइयो। महावीर। थोड़े तेज बोलो जी। महावीर। ठीक, तो महावीर नाम है सर का। तो इन्होंने जो ये सेल के लिए अवेलेबल करवाई है, तो कौन से ब्याज डिलीवरी होगी सर इसकी? पाँचवीं बार होगी। पाँचवीं बार। ठीक, तो इसका कितना टाइम रहता है जी? ठीक, तो एक दो दिन के अंदर इसकी डिलीवरी हो जाएगी। तो टाइम पूरा हो चुका इसका? 19 तारीख। तो 19 तारीख को इसका जो टाइम पूरा हो चुका। ठीक, जो ऑर्डर की क्वालिटी है वो काफ़ी शानदार है जूटी की। तो सर आपने ये सेल करनी है? सेल करनी है। ठीक, तो इसका जो पिछला था मिल्क रिकॉर्ड उसके बारे में बताइयो। 20 किलो का ढाई पिछले ब्याज। चार रुपया फर्स्ट टाइम में भी जी? हाँ। तो फर्स्ट टाइम में भी इसने 20 लीटर दूध निकाला है। तो ये सर का कहना, तो सर आपने इसका कहीं मिल्क रिकॉर्ड करवाया? तो गांव में तो बांधा नहीं। अच्छा जी, बाहर हम नहीं। ठीक, तो आपके गांव में जो सरकारी मेडिकल की सुविधा नहीं है? चार पाँच बजे इकट्ठी हो जब। ठीक ठीक, के नहीं गई। तो क्या कुछ प्राइस मांग रहे हो सर इसका? ₹1,35,000। ठीक, तो इसका 1,35,000 रुपये सर ने इसका जो प्राइस बताया है। तो अगर कोई भाई ख़रीदना चाहता है तो मैं सर का कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, उस पर आप कॉल करके इस भैंस के बारे में ज़्यादा जानकारी सर से लें। तो एक बार हम इसको थोड़ा खोल के दिखा दें। खोल भाई, खोलियो जी। तो मैं दोबारा बोलूँगा कि जो ऑर्डर की क्वालिटी है वो भैंस की काफ़ी अच्छी है। तो लगातार पाँचवीं बार इसकी जो डिलीवरी होगी और लगातार चार बार इसने जो 20 किलो से ऊपर दूध दिया है, ये सर का कहना है। बंदे। तो एक सर के पास ये जोटी है। तो ये कौन से ब्याह की है सर? ये तीसरे ब्याह होगी, तीसरे डिलीवरी होगी इसकी। तो कितना टाइम रहता है इसका? इसका एक महीना रहता है। एक महीना रहता है। ठीक, तो आप सीमन यूज करते हो? ना, मैं तो लाया था। अच्छा, लेके आए थे आप इसको? ठीक, तो यही समस्या रहती है हमारे जो छोटे पशुपालक हैं, सीमन के ऊपर किसी भाई का भी कोई ध्यान नहीं है। और मैं अपनी हर वीडियो में यही बोलना चाहूँगा कि सभी भाइयों से अच्छे सीमन यूज करो, चाहे कोई वो पंचायती बोल हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो। तो अच्छे सीमन यूज करो, जिससे आपके घर पर भी अच्छी जो नस्ल सुधार का जो ब्रीडिंग का काम आपके घर पर चले। तो इस रोटी के बारे में हमें सर से डिटेल से बातें पूछेंगे। तो जी, आप इसको डिलीवरी के टाइम लेके आए थे या फिर दूध छेटने के बाद?
बकरी थी थोड़ा थोड़ा दूध दिया थी। हाँ जी। और यताजी भाई हमने देखी थी ठन जी, जब इसका भाव नहीं बने हम जाए नहीं। अच्छा अच्छा, तो इसका जो मिल्क रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड हमें पता नहीं, लेकिन 24 किलो दूध है। हाँ जी। निकाला तो आपके घर पे आके निकाला है सर इसने? हमारा घर पे नहीं आके निकाला। हाँ जी। बाकी हमने देखा इसका मैं। अच्छा, जब आप इसकी जब डिलीवरी हुई थी आप उस टाइम लेने गए थे, तो उस टाइम इसने 24 लीटर दूध वहाँ पे निकाला था। ठीक। तो उस टाइम में आपका जो रेट का वो सौदा नहीं बन पाया और इसके कारण आप इसको लेके नहीं आ पाई। ठीक। तो जो एक बार मैं आपको जोटी दिखा दूं, जो पेट पुट्ठा है वो काफ़ी शानदार है जोटी का, बहुत ही कम देखने को मिलता है इतना चौड़ा पुट्ठा। तो थोड़ा मैं तो सर एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताइयो। 94166 64 269 65 229। तो ये सर का कॉन्टैक्ट नंबर है, तो अगर कोई भाई इस भैंस को ख़रीदना चाहता है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके सर से ज़्यादा जानकारी लें।